फ्रेंड्स, मेरे को मानना वेलकम टू मूवी शूवी करता हूँ आपस में पॉजिटिव सर। नमस्कार। और अभी मैंने एक जो ट्रेलर देखा है, ये काफी ज्यादा जबरदस्त ट्रेलर है और कई मायनों में जबरदस्त है। उसके बारे में हम बात करते हैं। वेदर की मैं बात करूँ, जॉन इब्राहिम के अपने फैंस हैं और वो काफी टाइम बाद ये कह सकते हैं कि पठान के बाद नजर आ रहे हैं, तो क्या ये इफेक्टिव होगी? शर्वरी अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही, क्योंकि दोनों का लिंकेज कहीं ना कहीं स्पाई यूनिवर्स से लिए। और दूसरा, जो आजकल की जो ऑडियंस है उनका जो नजरिया हो गया वो ये कि रूटेड पिक्चर दिखा दो। और यहाँ पर जिस तरीके से शुरू होता है एक श्लोक के साथ, जो महाभारत से है, कृष्ण जी का श्लोक यदा यदा धनस्य, उस तरीके से शुरू होता है और वो एक सीख देता है कि मैं एक सारथी हूँ और मैं आपका एक जैसे है ना मार्गदर्शन कर दूंगा, लेकिन वो फाइनल स्टेप आप ही को लेना होगा। तो यहाँ पर जो स्टोरी भी जो चलती हुई आपको नजर आती है वो इसी तरीके से आती है कि वो लोअर कास्ट अपर कास्ट का प्रॉब्लम है, और साथ साथ में जिस तरीके का यहाँ पर गाँव दिखाया गया है वहाँ पर ये जो प्रॉब्लम है कुछ ज्यादा ही है। और ये जो ठाकुर लोग टाइप जैसे दिखाए जाते हैं, ये कहीं ना कहीं सप्रेशन के जोन के अंदर आपको दिखते हैं। अब ये जो सेपरेशन के बाद उत्थान करने वाला एक ऐसा इंसान जो कि वेल ट्रेन्ड होगा वो हो जाता है जॉन इब्राहिम, जो कि सिखाता है शर्वरी को। और कहीं ना कहीं वो इस जोन के अंदर आपको लेके चला जाता है। डायलॉग्स बहुत ज्यादा हेवी हैं कि आपको ऐसा ट्रेन कर देंगे, चाहे यू बीइंग अ वुमन ऑल्सो, दैट यू विल बिकम अ वुमन ऑफ स्टील, उस तरीके से आपको जोन के अंदर ये लेके जाता है। तो काफी अच्छा है, इफेक्टिव है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि आप एक फीमेल ओरिएंटेड मूवी तो बनाते हो लेकिन उसको इतना एम्पावर नहीं करते हो। यहाँ पर आपको दोनों चीजें देखेंगे। मास्टर जो है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त है, जिसको वो सिखा रहा है वो बहुत ज्यादा जबरदस्त है। और इससे मेरी जो उम्मीदें हैं किंग मूवी के लिए, जो कि शाहरुख खान की आने वाली है, वो भी मेरे को काफी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है दोनों के लिए काफी अच्छा है। वहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा कि शाहरुख खान विल ट्रेन सुहाना फॉर अ लार्जर कॉज। तो यहाँ पर जो है वो आपको बहुत ही इफेक्टिव तरीके से जो छुआछूत और ये लोअर कास्ट अपर कास्ट और जिस तरीके से ईव टीजिंग हो जाती है, ये सारी चीजों को हटाया जाएगा और इनजस्टिस को कम्प्लीटली हटाया जाएगा। एक्शन बहुत बेमिसाल होने वाला है। जो बीच बीच में सिंगल लाइनर के डायलॉग्स हैं जॉन इब्राहिम के, उसमें सीटियां बजने वाली हैं फॉर श्योर। और जो उसके डायलॉग बोलने का जो अंदाज भी है, वो जो स्लो होले होले, वो काफी ज्यादा मेरे को यहाँ पर जबरदस्त लगा। अब बात करते हैं शर्वरी की भी, शर्वरी भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव लग रही है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि वो एक्टिंग के मामले के अंदर दो नॉच अब ऊपर जा चुकी हैं, एंड शी विल बी अ गुड कंटेंडर टू हर लेट्स से फेलो एक्ट्रेसेस। और वहाँ पर हमारे लिए तो अच्छा हो जाएगा एज ऑडियंसेस, क्योंकि हमें और चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो ओवरऑल बेसिस पे ये ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। अब जो लास्ट बात है वो ये है कि कितना इंटरेस्ट जनरेट कर पाएगा, क्योंकि इसका जो सामना खेल खेल में भी है, स्त्री टू से भी है, और भी एलियन रोमुलस भी उसी टाइम पे आ रही है, मिस्टर बच्चन भी आ रही है। तो हिंदी मूवीज जो तीन आ रही हैं उसमें से स्त्री टू तो फॉर श्योर फर्स्ट चॉइस होगी। सेकेंड चॉइस मेरे ख्याल से खेल खेल में नहीं होगी, क्योंकि अभी तक तो उसका ट्रेलर इतना ज्यादा इंपैक्ट ही नहीं कर पाया है। ये बिकॉज ऑफ सम ब्रूटल एक्शन एंड रूटेड तरीके की जो चीज यहाँ पर दिखाई गई है, कृष्ण से रिलेटेड, मैं सूत्रधार हूँ, उस तरीके की चीजें जो लोगों के साथ कनेक्ट करती हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक इफेक्टिव मूवी हो सकती है, जो कि सेकेंड चॉइस होगी। और फिर थर्ड चॉइस खेल खेल में होगी, टाइम विल ओनली टेल। अगर खेल खेल का जो ट्रेलर है वो बहुत इफेक्टिव आ गया तो ये डायनामिक्स जल्दी ही चेंज हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, सेकेंड चॉइस खेल खेल में होगी या फिर जॉन अब्राहम की मूवी होगी विच इज वेदा, विच इज वेरी वेरी पावरफुल, अ टफ मैन जॉब, और जो आजकल एक्शन मूवीज हैं वो चल भी रही हैं? आपका क्या मानना है, कॉमेंट करके फटाफट बता दें।